या फिर अगर हमें एंटीपास्ती सुनाई देता है तो हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमूस बूश के बारे में। आप लोगों के लिए हो सकता है ये एक बिल्कुल ही नया शब्द हो, पर एक्चुअली में ये एपिटाइज़र ही होता है। अगर आप देखेंगे अमूस बूश एक फ्रेंच का वर्ड है, जिस प्रकार से हम लोग एपिटाइज़र को कई अलग अलग प्रकार के नाम से जानते हैं, जैसे कि एंटीपास्ती हो गया, ऑदोज हम लोग बोलते हैं, स्टार्टर हम लोग कहीं पे यूज़ करते हैं, एपिटाइज़र हम लोग कॉमनली उनको ही बोलते हैं, या फिंगर फूड भी हम लोग कहीं बोलते हैं। तो ये अलग 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 नाम है हमारे एपिटाइज़र्स के। तो अमूस बूश भी एक वर्ड है जो कि फ्रेंच का वर्ड है, जिसको कि हम लोग एज अ एपिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये अमूस बूश होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप इसको फ्रेंच मेन्यू में आपको नहीं मिलेगा, पर आप बोल सकते हैं कि शेफ़ जो कि स्पेशल शेफ़ आप बोल सकते हैं, वो स्पेशली अपने गेस्ट के लिए डिशेस रेडी करके रखते थे, जिनको कि वो अमूस बूश बोलते थे। अब ये अमूस बूश होता था जो एक सिंगल, आप बोल सकते हैं सिंगल सर्विंग में सर्व किया जाता था, और कस्टमर एक बार में ही से पूरा खा लेता था। तो छोटे छोटे टिटबिट्स होते थे। सेम अगर इसको अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूँ तो ये भी एक प्रकार से आप लोगों का एपिटाइज़र होता था। अब ये अमूस बूश अगर आप देखेंगे तो हमारे वॉलवॉन्ट, अगर आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल किचन में काम किया है, अमूस बूश हमारे वॉलवॉन्ट हो सकते हैं, हमारे छोटे छोटे कोल्ड कट्स हो सकते हैं, हमारे पाते अगर हो सकते हैं, हमारे टेरिन्स हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार के, इवन जैसे वॉलवॉन्ट है हमारे हॉट हम लोग सर्व करते हैं, वो जो पफ पेस्ट्रीज हम लोग बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे छोटे छोटे मीट बॉल्स हो गए, या फिर हमारे रोस्टेड वेजिटेबल्स हो गए। तो ये सारे के सारे हमारे अमूस बूश में आ सकते हैं, और ये सिंगल सर्विंग में गेस्ट को सर्व किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि आप लोगों को अमूस बूश, एपिटाइज़र, ऑर्डो और एंटीपास्ते में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग स्पेशली एपिटाइज़र, ऑर्डोस, या फिर अगर हमें एंटीपास्ती सुनाई देता है तो हम लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं। तो एंटीपास्ती एक, आप बोल सकते हैं, इटालियन वर्ड है, जिसका कि हम लोग सेम वही, उसका भी यूज़ हम लोग एज अ स्टार्टर के तौर पे ही करते हैं। एक शब्द है इटली का, और इसमें भी सेम वही सारे आइटम्स आपके आते हैं। अब जो ये एपिटाइजर्स, ऑदो, एंटीपास्ती, अमूस बूश होता है, ये हॉट और कोल्ड दोनों तरीके से सर्व किए जा सकते हैं। आप लोगों को कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि ये सिर्फ ठंडे ही सर्व होते हैं या गर्म ही सर्व होते हैं। गर्म में जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको वॉलवॉन्ट बताया, वैसे ही हमारी कई सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ आती हैं। एक प्रोवोलोन चीज़ होती है जिसको कि हम लोग तवे पे ग्रिल करके दे सकते हैं, हमारी गॉट चीज़ आती है जो कि हम लोग ग्रिलर पे गर्म करके दे सकते हैं, या हमारे ग्रिल्ड एस्पैरागस हो गए। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग अमूस बूश में देते हैं, या फिर हमारे एपिटाइज़र एंटीपास्ती में देते हैं। अब जिस भी कंट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे लिए यहाँ पर जो हमारे एपिटाइज़र या स्टार्टर्स, इनको अगर हम लोग बोलें तो हमारे कबाब्स हो सकते हैं, हमारे छोटे छोटे जो समोसे हो सकते हैं, कचौरियाँ हो सकते हैं, इस प्रकार के आइटम। और ये स्पेशली इसलिए ही खिलाए जाते हैं जो कि गेस्ट हमारा आया है उसकी भूख और बढ़े, क्योंकि अगर हम एक बार में पूरा मील उनको दे देंगे तो उनका पेट भर जाएगा, पर वही अगर हम उनको छोटे छोटे पोर्शंस में देंगे तो ज़्यादा खा पाएंगे, और ज़्यादा खा पाएंगे तो ज़्यादा पैसे भी खर्च करेंगे हमारे रेस्टोरेंट में आके, या हमारे घर में है तो वो खुश होंगे हमारे खाने को खा के। तो साइकोलॉजी के तौर पर यहाँ पर हर कोर्सेज को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है। तो कहने का मतलब यही कि आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अमूस बूश आप लोगों के लिए एक नया शब्द है। आने वाले समय में और भी इसके ऊपर डेप्थ में इसके ऊपर रिसर्च करके आप लोगों को बताऊंगा, पर इसमें जैसे अमूस और बूश जो दो शब्द हैं, इसमें जो बूश है उसका फ्रेंच में मतलब होता है माउथ या मुंह, जिसको कि हम लोग अपना माउथ बोलते हैं। तो सिंपली आपको यही याद रखना है, और यही याद रखना है कि ये भी एज अ एपिटाइज़र भी होता है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैं मिस करता हूँ, या कुछ भी आपको नए टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।